हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वृत्त यानी कि सर्कल। तो चलिए इस पहले समझ लेते हैं वृत्त होता क्या है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब हम लोग किसी शंकु को एक समतल द्वारा उसके अक्ष के लंबवत काटते हैं, ये आपका अक्ष हो जाएगा शंकु का, इस शंकु के अक्ष के लंबवत हम लोग एक समतल द्वारा जब शंकु को काटते हैं, देखिए यहाँ पर ये समतल लंब है ना जी, इस पर तो यहाँ पर हमें जो बनी हुई आकृति मिलती है, जो वक्र मिलता है, यही आपका क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है, यही आपका सर्कल कहलाता है। ठीक है, और क्लास 10th में मैंने आपको वृत्त की परिभाषा बताई भी थी कि वृत्त वृत्त किसी समतल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जो समतल के किसी निश्चित बिंदु से किसी निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पर है। जो निश्चित बिंदु होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र कहते हैं, और जो बराबर दूरी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। जो अचर दूरी होता है उसे क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो इसमें आप यहाँ पे लिख सकते हैं, उसके बाद हम लोग फिगर देखते हैं। यहाँ पे लिख देंगे कि निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र तथा बराबर दूरी को या अचर दूरी भी लिख सकते हैं, अचर दूरी उसकी त्रिज्या कहलाती है। चलिए हम लोग इस परिभाषा के अनुसार वृत्त को दर्शाते हैं। वृत्त किसी समतल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है। जैसे ये आपका एक समतल है ना जी। अब हम लोग समतल पर यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बिंदु लेकर आपको दिखाते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखो, समतल पे ये बहुत सारी बिंदुएं ले ली, एक पथ का निर्माण कर दिया। तो ये जो पथ देख रहे ना, यही आपका वृत्त कहलाएगा। और यह जो देख रहे हैं इन बिंदुओं का समुच्चय, इन प्रत्येक बिंदु की एक निश्चित बिंदु से, यहाँ एक निश्चित बिंदु होगी बीच में, जिससे हर एक बिंदु की दूरी बराबर होगी इस बिंदु से। तो जो ये निश्चित बिंदु जो देख रहे ना, इसे हम लोग वृत्त का केंद्र कहते हैं, इसे हम लोग केंद्र कहते हैं। ठीक है, और ये जो आप बराबर दूरी देख रहे हैं या आप जो अचर दूरी देख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो परिभाषा से समझ में आ रहा है, वृत्त किसी समतल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है। देखिए ये समतल पर स्थित ये सभी बिंदुओं का समुच्चय है क्या, वृत्त, जो समतल के किसी निश्चित बिंदु से, समतल के निश्चित बिंदु यानी केंद्र से बराबर दूरी पर है। ये प्रत्येक बिंदु क्या होगा, इस केंद्र से बराबर दूरी पर होगा, हर एक बिंदु बराबर दूरी पर होगा केंद्र से, अचर दूरी पर होगा। तो इसे हम लोग इस अचर दूरी को क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। समझ गए वृत्त होता क्या है। अब हम लोग बात करते हैं वृत्त के समीकरण के बारे में। हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज में हम लोग वृत्त के समीकरण को निकालना, वृत्त का केंद्र निकालना, वृत्त की त्रिज्या निकालना, इन सभी के बारे में ही डिटेल रूप से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अब वृत्त के समीकरणों को समझते हैं। अच्छा, किसी वृत्त का समीकरण से आपका क्या तात्पर्य है, वृत्त का समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ सर्कल से क्या मतलब है। तो
वृत्त के समीकरण से तात्पर्य है कि इस वृत्त की स्थिति किसी स्वेच्छ बिंदु यहां से आप स्वेच्छा से कोई भी बिंदु ले सकते हैं इस पे स्वेच्छा से कोई भी बिंदु ले सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक बिंदु ले लेता हूँ P, ठीक है। बिंदु के जो x निर्देशांक और y निर्देशांक होंगे उनके बीच के संबंध को यह दर्शाता है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी वृत्त का समीकरण वह होता है जो वृत्त पर स्थित प्रत्येक बिंदु को संतुष्ट करता, ऐसे भी कह सकते हैं। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, वृत्त की परिभाषा, वृत्त के समीकरण क्या होता है इसके बारे में। तो आप लिख सकते हैं कि किसी वृत्त का समीकरण वृत्त पर स्थित स्वेच्छ बिंदु, स्वेच्छा से लिया वो कोई भी बिंदु हो सकता है, स्वेच्छ बिंदु के एक्स और वाई निर्देशांक, एक्स और वाई निर्देशांक में संबंध है, समझ गए। तो चलिए अब हम लोग वृत्त का समीकरण देखते हैं। इसलिए मैं यहां पे हेडिंग दे देता हूं, वृत्त का मानक समीकरण, यानी कि स्टैंडर्ड इक्वेशन, मानक समीकरण। इसका प्रयोग हम लोग बहुत ज्यादा करने वाले हैं, आप ध्यान रखना इन सभी समीकरणों के बारे में। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला स्थिति ले लेते हैं, पहला कंडीशन लेते हैं कि उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र मूल बिंदु और त्रिज्या ए हो, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए मैं यहां पर निर्देशांक अक्ष ले लेता हूं, ये आपका एक्स अक्ष, ठीक है, और इसी पर मैं यहां वाई अक्ष ले लेता हूं, ठीक है। एक्स इधर हो जाएगा आपका x डैश, वाई और यहाँ y डैश। ये कुछ वृत्त जो होगा इस प्रकार से होगा, इसका केंद्र मूल बिंदु है और त्रिज्या क्या है, a है। त्रिज्या आप यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये सब दर्शा सकते हो, ये तो हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहता है ना जी, त्रिज्या a है। तो इसका समीकरण क्या होगा इस वृत्त का, तो हम लोग इस पे स्थित एक स्वेच्छ बिंदु कहीं पे भी ले लेते हैं, मान लो यहीं पे मैं ले लेता हूँ P, जिसका निर्देशांक है एक्स वाई, ठीक है। तो यह बिंदु जरूरी है यहीं पे है, ये यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है, ये कहीं भी हो सकता है इस वृत्त पर, इसका केंद्र O देते हैं। तो यहाँ पे अगर OP की लंबाई की बात करेंगे तो A है, तो OP का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ A का स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ लिखेंगे वर्ग करने पर हुआ है। तो OP स्क्वायर के लिए अगर आप दूरी सूत्र लगाओगे तो हो जाएगा x माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बन गया समीकरण निकालने के लिए वृत्त का, जब उसका केंद्र मूल बिंदु हो और त्रिज्या a हो, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू में ए का स्क्वायर कर देना, ए यानी कि जो त्रिज्या होगी वो यहां रख देंगे, तो आपका वही वृत्त का समीकरण हो जाएगा, समझ गए। चलिए अगला लेते हैं, दूसरी स्थिति, उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र अल्फा बीटा या ए बी भी लिख सकते हैं, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, तथा त्रिज्या a है, यहाँ त्रिज्या r भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे r ही ले लीजिए अच्छा रहेगा। तो देखो मैं यहाँ पर आपको एक वृत्त दिखाता हूँ, ये आपका मान लो एक वृत्त हो गया, इसका यहाँ केंद्र है अल्फा बीटा, ठीक है, और यहाँ त्रिज्या मैं ले लेता हूँ
आर, आर ना माना है हमने आर। तो इस वृत्त पर स्थित हमें एक बिंदु ले लेना होगा, मैं मान लेता हूं पी एक्स वाई इस पर एक बिंदु है, ठीक है, यह बिंदु स्वेक्ष बिंदु है, यह कहीं भी हो सकते हैं इस पर। एक्चुअल में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बिंदु पथ का समीकरण निकाल रहे हैं, ये जो वृत्त है ये बिंदु पथ का समीकरण ही ना हम लोग निकाल रहे हैं, यानी कि वृत्त का समीकरण निकाल रहे हैं। तो यहाँ ओपी बराबर में आर है, वर्ग करने पर ओपी स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, दूसरी सूत्र लगा देंगे, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर, यही आपका वृत्त का समीकरण हो जाएगा, समझ गए ना, जिसका केंद्र अल्फा बीटा है और त्रिज्या आर है, समझे ना। चलिए अगला स्थिति ले लेते हैं यहाँ पर, उस वृत्त का समीकरण, उस वृत्त का समीकरण जो या जिसका केंद्र, केंद्र बिंदु या केंद्र अल्फा बीटा और जो जो मूल बिंदु से जाता है ना, वृत्त कहाँ से जाता है, मूल बिंदु से जाता है, तब उसका समीकरण क्या होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एक्स अक्ष ले लेता हूँ, ये आपका वाई अक्ष ले लेता हूँ, यहाँ पे एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश, चलिए हम लोग वृत्त इसी तरह से ले लेते हैं जो आपके यहाँ पे थर्ड नंबर इसमें कह रहा है। यहाँ केंद्र क्या है, अल्फा बीटा, और ये देख रहा है ना मूल बिंदु से होकर जा रहा है। सोचो आप, अगर आप इसको यहाँ से मिलाओगे तो यही इसकी त्रिज्या हो जाएगी, तो यहाँ पे एक लंब गिरा सकते हैं ना त्रिज्या को निकालने के लिए। तो ये आपका अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, ये ओ ए बी अगर ऐसे दे देते हैं तो त्रिज्या ओ बी नहीं निकल जाएगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, पहले त्रिज्या पता होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आर बराबर में, यानी आर यानी कि ओ बी की बात हो रही है, रूट अंडर ओ ए का स्क्वायर और प्लस में ए बी का स्क्वायर, यानी रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया था कि जब केंद्र अल्फा बीटा हो और त्रिज्या आर हो तो वृत्त का समीकरण होता है x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर में त्रिज्या का स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर से यहाँ रूट हट जाएगा, तो आ जाएगा x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस टू अल्फा एक्स प्लस का अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस टू बीटा वाई और प्लस में बीटा का स्क्वायर बराबर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर गया, बीटा से बीटा स्क्वायर गया, देख रहे ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का टू अल्फा एक्स प्लस माइनस का टू बीटा वाई इक्वल टू जीरो, ये आपका वृत्त का समीकरण ऐसे भी लिख सकते थे और ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ गए। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र अल्फा बीटा है, जिसका केंद्र अल्फा बीटा है और जो एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं निर्देशांक अक्ष, ये आपका एक्स अक्ष, ठीक है, और इसी पर हम लोग ऐसे ले लेते हैं ये वाला वाई अक्ष हो जाएगा, ठीक है, एक्स एक्स डैश वाई और यहाँ पर हम ले लेते हैं वाई डैश, एक वृत्त इस पर ले लेते हैं इस तरह से, देख रहे हैं एक्स अक्ष को छू रहा है और इसका केंद्र हम लोग यहाँ पर दिख देते हैं अल्फा बीटा, ठीक है, एक्स अक्ष को छू रहा है। तो जब ये एक्स अक्ष को छू रहा है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी त्रिज्या होगी, तो ये वाई का ही ना मान होगा, यहाँ पर एक्स नियामक अल्फा है, ये यहाँ से यहाँ तक है और ये आपका बीटा होगा। तो यहाँ पर वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा,
वही x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू में बीटा का स्क्वायर। त्रिज्या यहाँ बीटा है, अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या इतना भी आप छोड़ सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस टू अल्फा एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू बीटा वाई और प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू अल्फा एक्स माइनस टू बीटा वाई और प्लस का अल्फा स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये आपके वृत्त का समीकरण हो गया। चलिए अगला कंडीशन देखते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि उस वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र अल्फा बीटा और जो वाई अक्ष को स्पर्श करता हो, ठीक है। चलिए इसके लिए भी हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक्स अक्ष, इस पर हम लोग वाई अक्ष ले लेते हैं, एक्स एक्स डैश वाई और नीचे वाई डैश, ठीक है। तो चलिए हम लोग वाई अक्ष को स्पर्श कराते हैं यहाँ पर, और इस वृत्त का केंद्र ले लेते हैं अल्फा बीटा। तो जब अल्फा बीटा केंद्र है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी त्रिज्या होगी, तो यह इसका एक्स नियामक होगा। तो इस वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर में अल्फा स्क्वायर। चाहो तो अब इसे सॉल्व कर सकते हो, त्रिज्या की जगह पर अल्फा है। चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस टू अल्फा एक्स प्लस का अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू बीटा वाई प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू में अल्फा का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का टू अल्फा एक्स माइनस का टू बीटा वाई प्लस का बीटा स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यही आपके वृत्त का समीकरण हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, उस वृत्त का समीकरण, उस वृत्त का समीकरण समीकरण जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता हो, ठीक है, दोनों अक्षों को स्पर्श करे। इसके पहले हम लोग एक ही अक्ष को स्पर्श करा रहे थे, अब की बार दोनों अक्षों को स्पर्श करा कर देखते हैं। चलिए देखते हैं, एक्स एक्स डैश वाई और यहाँ नीचे ले लेते हैं वाई डैश, वृत्त हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। अच्छा समझिए, इसी तरह से स्पर्श कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ इसके केंद्र की बात करूँ तो यहाँ से ये दूरी और यहाँ से यह दूरी बराबर होगी, बिल्कुल होगी ना। चलिए तो अगर हम इसे ए मान लें, इसे ए मान लें, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, ए ए। तो केंद्र का निर्देशांक ए ए, यानी वृत्त का केंद्र ए हो जाएगा और त्रिज्या भी ए ही होगी, ठीक है। तो यहां से वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, वृत्त का समीकरण एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर। अच्छा अगर हम लोग यहाँ पे ये तो नहीं कहे हैं कि यहाँ ये तो नहीं कहे कि सिर्फ प्रथम पाद में ही, दूसरे पाद तीसरे पाद कहीं भी हो सकता है। तो अगर यह ऐसे ना होकर वृत्त हम लोग दूसरा फिगर ले लेते हैं, यह आपका एक्स अक्ष, यह आपका वाई अक्ष, यहाँ एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, वृत्त मान लो यहाँ पर इस तरह से हो, इस तरह से दोनों अक्षों को स्पर्श करें, यहाँ पे भी तो दोनों अक्षों का स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ इसका निर्देशांक क्या लेना होगा, तो ये अगर हम लोग त्रिज्या ए लेते हैं तो इसका निर्देशांक यहाँ पे होगा माइनस ए कॉमा ए, क्योंकि ये द्वितीय पाद है तो ये प्रथम पाद में है, ये प्रथम पाद में हमने देखा, यहाँ द्वितीय पाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर द्वितीय पाद में हो जाएगा एक्स माइनस और फिर यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अच्छा उसी तरह से अगर तृतीय पाद में, मैं इसी फिगर में बना दूं क्या आपका, ठीक है, इस तरह से हो जाए,
ठीक है, तो इसका इसका त्रिज्या अगर हम लोग a मान लें तो इसका निर्देशांक होगा माइनस a माइनस a। तो यहाँ पर लिख सकते हैं तृतीय पाद में वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस माइनस a यानी प्लस हो जाएगा और y माइनस माइनस a यानी प्लस हो जाएगा इक्वल टू में त्रिज्या का स्क्वायर। अच्छा, उसी तरह से अगर मैं चतुर्थ पाद में यहाँ पे देखूँ तो ठीक है, और इसकी भी त्रिज्या अगर हम लोग a ले लेते हैं तो यहाँ a होगा, ये भी a होगा, तो इसका निर्देशांक a कॉमा माइनस a हो जाएगा। तो चतुर्थ पाद में, चतुर्थ पाद में क्या हो जाएगा आपका, x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस यानी कि प्लस a का स्क्वायर इक्वल टू में त्रिज्या का स्क्वायर, ये आपका समीकरण हो जाएगा वृत्त का। ठीक है, जब दोनों अक्षों को स्पर्श करें, तो ये चार कंडीशन हो सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं एक और स्थिति, सेवन नंबर। उस वृत्त का समीकरण, उस वृत्त का समीकरण जिसके व्यास के सिरों के नियामक नियामक x1 y1 तथा x2 y2 है, x2 y2 है। चलिए देखते हैं, मैं यहां पर एक वृत्त ले लेता हूं, ठीक है, और इसका हम लोग एक व्यास ले लेते हैं, समझ गए। अब यहां पर इस व्यास ए बी नाम देते हैं, इसके सिरों के निर्देशांक ये है आपका x1 y1 और ये है आपका x2 y2, ठीक है। तो इसका समीकरण क्या होगा, अच्छा हम यहां लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि वृत्त के व्यास के दोनों सिरे वृत्त पर समकोण बनाते हैं, समकोण बनाते हैं, या वृत्त का व्यास वृत्त पर समकोण बनाता है, जानते हो ना जी, व्यास के दोनों सिरों वृत्त पे क्या बनाते हैं, समकोण 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, या P मैं इस बिंदु को दे देता हूँ और इसका निर्देशांक यहाँ पर x y ले लेता हूँ। तो अब यहाँ पर लिख देखो, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर AP की ढाल की, AP का ढाल क्या होगा, ढाल पढ़े ना जी सरल रेखा वाले चैप्टर में, तो इसका हम लोग कैसे ढाल निकालेंगे, तो हो जाएगा y माइनस वाई वन बाई में x माइनस एक्स वन, ये ना हो जाएगा। अच्छा, उसी तरह से अगर मैं BP क्या ढाल बात करूँ, BP की ढाल, तो BP की ढाल क्या हो जाएगी यहाँ पर, y माइनस में y2 बाई में x माइनस में x2। अच्छा, चूंकि यहाँ पर AP लंब है BP पर, इसलिए AP का ढाल और गुणा में BP का ढाल का गुणनफल जो होगा माइनस वन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इंटू में y माइनस वाई टू बाई एक्स माइनस एक्स टू इक्वल टू में माइनस का वन। फिर ये नीचे दोनों वाले उधर जाएंगे और ऊपर यहाँ बच जाएगा y माइनस वाई वन इंटू में y माइनस वाई टू, और ये जाके इंटू होगा तो माइनस का x माइनस एक्स वन इंटू में x माइनस एक्स टू, इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस y माइनस वाई वन इंटू में y माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो, ये आपके वृत्त का समीकरण हो जाएगा जब वह एक्स वन वाई वन, एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू वृत्त के व्यास के दोनों सिरे हों, वृत्त के व्यास के दोनों सिरों के निर्देशांक हो, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा वृत्त का समीकरण ज्ञात करने का। तो मैंने सारे जितने भी मेथड थे
किस तरह से वृत्त का समीकरण निकाला जाता है वो सभी के सभी आपको बता दिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के देखेंगे। आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रवि कांत सर, भारती भवन रवि कांत सर, और तीसरा चैनल है रवि कांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।